वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में जो कि भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका जीवन परिचय और उनका जो क्रिकेट का जो ग्राफ है उसके बारे में। तो उनकी जीवन परिचय से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो उनका जो वास्तविक नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा, वो इंडियन क्रिकेटर बल्लेबाज हैं। और दोस्तों, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत हुआ था वो वनडे एक दिवसीय 23 जून 2007 से बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ, टेस्ट 6 नवंबर 2013 कोलकाता में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, टी20 19 सितंबर 2007 डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ, और जर्सी नंबर #45 इंडिया और डोमेस्टिक स्टेट टीम है मुंबई इंडियंस। और दोस्तों, ये बहुत ही कूल प्रकृति के खिलाड़ी हैं मैदान में, और ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये खेलना पसंद करते हैं। इनका पसंदीदा शॉट्स है पुल शॉट्स, और रिकॉर्ड्स हैं इनके जो एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 264 रन। वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक दिवसीय मैच में 2 शतक बनाए। उन्होंने एक दिवसीय मैचों में एवी डिलीवर्स और क्रिस गेल से अधिक छक्के का रिकॉर्ड बनाए थे, और सुरेश रैना के बाद वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 प्रारूपों में टेस्ट एक दिवसीय टी20 में एक एक शतक जुड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में उन्होंने सर्वाधिक स्कोर रन बनाए 171 रन, और तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में 1000 से भी ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर और MS धोनी के साथ मिलकर बनाए थे। दोस्तों, इनकी करियर टर्निंग पॉइंट है 2005 में देवधर ट्रॉफी के लिए उदयपुर में उत्तर क्षेत्र नॉर्थ जोन के खिलाफ पश्चिम क्षेत्र के लिए 123 गेंद में 142 रनों का उनका नाम पारी रही है। दोस्तों, इनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इनकी जन्मतिथि 30 अप्रैल 1987 और जन्म स्थान है बांसोर नागपुर महाराष्ट्र, और ये इंडियन हैं। इनका गृहनगर नागपुर महाराष्ट्र हुआ। इनकी स्कूल की पढ़ाई स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जूनियर कॉलेज मुंबई, ओवर लेडी वेलांकनी हाई स्कूल मुंबई। इनके फैमिली में इनके पिताजी का नाम गुरुनाथ शर्मा, जो एक परिवहन कंपनी में भंडार में कार्यवाहक के रूप में कार्य किया। इनकी मम्मी का नाम पूर्णिमा शर्मा है। इनका एक भाई है विशाल शर्मा, और ये इनके पास अगर ये वहाँ मुंबई में वर्ली में इनका फ्लैट है, और इनका जो शौक है इनका है यात्रा करना और फिल्में देखना, टेबल टेनिस खेलना और वीडियो गेम। इनके जो कोच हैं उनका नाम है दिनेश लाड, और इनका विवाद रहा दोस्तों 2015 में विश्व कप में भारत और बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल मैच में, जब रुबेल हुसैन ने रोहित शर्मा का विकेट लिए तब पाकिस्तान अंपायर अलीम डार ने रुबेल हुसैन की गेंद को कमर उच्च नो बॉल के रूप में घोषित किया, और टीवी रिप्ले में दिखाए गए कि वो एक वास्तविक स्पर्श और स्थिति थी जो किसी भी तरह से हो सकता था। अगले दिन ICC के अध्यक्ष मुस्तफ़ा कमल ने खराब एम्पायरिंग की आलोचना की, और ICC ने हालांकि दावा किया कि वो 50-50 कॉल हैं और अंपायर का फैसला रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो पसंदीदा क्रिकेटर से इनका बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, गेंदबाज है हरभजन सिंह, और पसंदीदा व्यंजन इनका आलू पराठा, चीनी व्यंजन और अंडा। और दोस्तों, पसंदीदा अभिनेता इनका ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान। पसंदीदा अभिनेत्री करीना कपूर, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, मैगन फॉक्स और ब्लैक लाइवली। दोस्तों, पसंदीदा फिल्म इनकी है वीर जारा हेरा फेरी, जो जीता वही सिकंदर और बॉर्डर। पसंदीदा निर्देशक है इनके डेविड धवन, प्रियदर्शन, इम्तियाज अली और जेम्स कैमरून। पसंदीदा गाड़ी इनकी है एस्टन मार्टिन। पसंदीदा होटल इनका लॉन्ग बीच गोल्फ और स्पा रिजॉर्ट मॉरिशस। पसंदीदा इनकी जगह है न्यूयॉर्क। वैवाहिक स्थिति में ये विवाहित हैं। इनकी जो पत्नी का नाम है उनका नाम है रीतिका सचदेव, जो कि खेल प्रबंधक 2015 में से बनी है। दोस्तों, इनकी फ्रेंड रह चुकी है जिनका नाम है सोफिया हयात, वो अभिनेत्री हैं। दोस्तों, इनकी विवाह की तिथि 13 दिसंबर 2015। इनका जो है अभी इनका एक ही बच्चा है, और ये मुंबई रहते हैं। इनके पास अगर कार संग्रह की बात की जाए तो BMW M सीरीज इनके पास है। दोस्तों, रोहित शर्मा
कि मातृभाषा तेलुगु है, क्योंकि वो तेलुगु परिवार में पैदा हुए हैं। वो नागपुर में पैदा हुए थे और जब वह 1.5 साल के थे तो उनका परिवार मुंबई उपनगर डोंबिवली में चले गए। उनके परिवार की वित्तीय स्थिति उन्हें और उनके भाई के पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने बोरीवली में अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए गए, जहाँ उन्होंने गैली क्रिकेट खेलना शुरू किया। और जब वो कक्षा 6 में थे तो वो अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक स्थानीय क्लब में शामिल हो गए। वो एक गेंदबाज और बल्लेबाज के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में, क्योंकि वो उस पर पहले से बल्लेबाज थे। उनकी प्रतिभा पहले उनकी स्कूल के कोच दिनेश लाड ने खोजी थी। उन्होंने 1999 में अंडर 12 10 ओवर टूर्नामेंट में कुछ महत्वपूर्ण विकेट लिए। इससे पहले वो नवंबर 8 या 9 पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन जब उनके कोच ने उन्हें बल्लेबाजी की संभावना देखी तो रोहित शर्मा को अभ्यास करने के लिए कहा। तब रोहित शर्मा जी ने नेट पर अपने बल्लेबाजी क्रम को बढ़ावा दिया और पहली बार उन्होंने एक इंटर विद्यालय गेम्स सील टूर्नामेंट मैच खेले, जहां उन्होंने अपना करियर बदलकर 120 रन बनाए। उन्होंने एक बार कहा था कि वो ब्रेटली के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2009 में उन्होंने अभिषेक नायर, हरभजन सिंह और सौरभ तिवारी को खारिज करके सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेक्कन चार्ज के लिए IPL हैट्रिक ली थी। तो इस तरह से सौरभ जो वो भगवान गणेश दृढ़ के आस्तिक हैं और किसी के दौरे से पहले सिद्धि विनायक मंदिर का दौरा करते हैं। वे वीरेंद्र सहवाग से मिलने के लिए अपने स्कूल से भाग गए थे। वो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के एक बड़े प्रशंसक हैं। वो क्रिकेटर नहीं होते तो आज एक रियल इस्टेट के व्यापारी होते। तो इस तरह से जो है उनकी जो मैंने जानकारी दी आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।